स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल धीरेंद्र झा प्रॉपर्टी पर। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोग के लिए प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ ये है तलोजा का एक ज़बरदस्त अच्छी प्रॉपर्टी जो कि पेंडर मेट्रो स्टेशन से मुश्किल से एक मिनट के वॉकिंग पे है। तो मतलब आप अगर बेलापुर से आ रहे हैं या कहीं से भी अगर आप बाय मेट्रो आ रहे हैं तो आप सीधे मेट्रो से उतरेंगे और एक मिनट के वॉकिंग में आप अपने घर के अंदर। तो एक अच्छा लोकेशन पर एक अच्छा प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी जो यूनिक बात है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट एक से डेढ़ महीने में इसका पोजीशन है। तो चलिए सबसे पहले आप इसका सैंपल फ्लैट देखिए 1 BHK और 2 BHK और उसके बाद पूरा वीडियो देखिएगा क्या कारपेट है, क्या इसकी प्राइसिंग है, सारे कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें क्या एमिनिटीज़ है, कितने फ्लोर का टावर है, सारे कुछ मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, जो भी मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल बटन प्रेस करिएगा, मैं जो भी ब्लॉग अपलोड करूँ अपने चैनल पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई अगर फ्रेंड सर्कल में आपकी प्रॉपर्टी सर्च करें तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग का लिंक शेयर कर दें। चलिए सबसे पहले सैंपल फ्लैट देखिए फिर आगे बात करते हैं। 2 BHK फ्लैट, 700 कारपेट, लिविंग एरिया, एमिनिटीज व्यू का फ्लैट है ये, ओपन व्यू, सामने में जो है कुछ नहीं आएगा, ये सामने में जो है पूरा व्यू जो है आपका हमेशा ओपन रहेगा। यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं किड्स प्ले एरिया है फर्स्ट फ्लोर पे, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, जिम वगैरह सारे कुछ जो एमिनिटीज है फर्स्ट फ्लोर पे। ये हो गया लिविंग एरिया, फिर से अब चलते हैं किचन की तरफ। ये रहा किचन, वन साइड प्लेटफॉर्म और सेकेंड साइड में आप अपना फ्रिज वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जो गैप आपको दिख रही है यहाँ पे आप जैसे ओसी आ जाएगा इस गैप को आप फिल करके बैल्कनी बना सकते हो। तो अपना वॉशिंग मशीन चाहे तो बाद में आप यहाँ पे रख सकते हो, ये बैल्कनी बन जाएगी आफ्टर ओसी, आप ये काम कर सकते हो। टैप वगैरह का फिटिंग जो देख रहे हैं सब जगह फिटिंग से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, टाइल वगैरह सब आप देख सकते हो अच्छा क्वालिटी का काम जो है डेवलपर ने किया है। वॉशरूम में भी सारे जगह फिटिंग से कबोर्ड लगना बचा है अभी। यहाँ पे वॉशरूम कॉमन टॉयलेट भी ठीक बाहर में भी एक छोटा सा वॉश बेसिन दिया हुआ है। अब चलते हैं कॉमन बेडरूम की तरफ। अब डोर की क्वालिटी भी देख सकते हो अच्छा, हैंडल वगैरह सब ब्रांडेड यूज़ किया गया डेवलपर की तरफ से। चलते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी जो है आप जैसे कि भी एक से डेढ़ महीने में इसका ओसी आ जाएगा तो इसे आप फिल करके बैल्कनी बना सकते हैं, किचन में भी बना सकते हो और कॉमन बेडरूम में भी आप बना सकते हो। तो आपका एक अच्छा बैल्कनी कॉमन बेडरूम बन जाएगा अच्छे व्यू ओपन व्यू के साथ। एक बार फिर से आपको कॉमन बेडरूम दिखा दूँ। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये है इसका मास्टर बेडरूम जो कि अटैच टॉयलेट के साथ में है, अंदर में भी वॉश बेसिन छोटा सा वॉश बेसिन दिया गया है, टैप वगैरह सब देखने जगह फिटिंग्स है। वहाँ पे जूम करके दिखा दो, कबोर्ड जो है लगना बचा है, कबोर्ड का काम बचा है अभी, अदरवाइज सारा काम रेडी हो चुका है वॉशरूम में भी। और यहाँ पे भी विंडो की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं फ्लाइट में, बाहर का वॉइस जो है ये ब्लॉक कर देता है ये विंडो, व्यू ओपन है, सामने में बिल्डिंग नहीं आएगा। चलिए अब जल्दी से एक बार फिर से आपको दिखा दूँ। ये रहा इसका मास्टर बेडरूम, ये रहा इसका कॉमन बेडरूम, ये रहा इसका किचन और ये रहा इसका लिविंग रूम। लिविंग रूम स्पेशियस अच्छा लिविंग रूम है ये भी। 1 BHK फ्लैट, 450 कारपेट, सामने में मेट्रो ब्रिज, रोड साइड का फ्लैट है 1 BHK। अब चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन साइड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा,
फिर आपको ठीक से दिखा दो फिर से। और यहाँ पे जो है कॉमन टॉयलेट, यहाँ पे स्टोरेज के लिए एक छोटा सा जगह जो है डेवलपर ने बनाया हुआ है। आप यहाँ वॉशिंग मशीन रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम की तरफ, 1 BHK का जो कि अटैच टॉयलेट के साथ में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 1 BHK में जो है, जैसे कि 1 से 1.5 मिनट में इसका उसी आ जाएगा, यहाँ पे जो गैप है इसे आप फिल करके यहाँ पे इसे एक बालकनी बना सकते हो, जो कि रोड की तरफ से एक अच्छा व्यू मिलेगा। सामने में जो है यहाँ पे मेट्रो ब्रिज है, मेट्रो स्टेशन से मुश्किल से 2 मिनट या 1 मिनट के वॉकिंग पे, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, देखिए सामने में मेट्रो ब्रिज, मुश्किल से 1 मिनट के वॉकिंग। मैं जल्दी से आपको कैसे दिखा दूँ, ये रहा इसका 1 BHK का अटैच मास्टर बेडरूम जो कि अटैच टॉयलेट के साथ है। यहाँ पे अटैच टॉयलेट, ये रहा इसका मास्टर बेडरूम 1 BHK का। ये रहा किचन, यहाँ पे आपका फ्रिज वगैरह आ जाएगा। ये रहा इसका कॉमन टॉयलेट, वो जो आप वहाँ पे डोर देख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी स्पेस, अच्छा जगह है, वहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन आराम से बैठ जाएगा। ड्रेनेज वगैरह सब कनेक्शन वहाँ पे डेवलपर ने किया हुआ अंदर में। एक बार आपको फिर से दिखा दूँ मैं ओपन करके, देखिए यहाँ पे कनेक्शन भी दिया है पावर का, ड्रेनेज का पानी निकलने के लिए, एक अच्छा जगह है, यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन आराम से बैठ जाएगा। आप चलते हैं, एक बार आपको जल्दी से हॉल का व्यू दिखा दूँ। ये रहा इसका 1 BHK फ्लैट का लिविंग एरिया का व्यू। तो दोस्तों अभी दोनों मैंने आपको 1 BHK 2 BHK फ्लैट दिखा दिया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं। टोटल 2 फ्लैट्स हैं वहाँ पे, एक 2 BHK, यहाँ पे एक 1 BHK, और यहाँ पे एक फ्लैट और एक यहाँ पे फ्लैट, मतलब टोटल फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, 2 स्टेयरकेस, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल 2 स्टेयरकेस हैं और यहाँ पे 2 लिफ्ट। तो एक फ्लोर पे सिर्फ 4 फ्लैट हैं। आपको पूरा फ्लोर पे व्यू दिखा दूँ, ये था ठीक फ्लैट के बाहर का लॉबी। ये रहा ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी इस प्रॉपर्टी का। यहाँ पे रहा 2 लिफ्ट, एक लिफ्ट यहाँ पे, एक लिफ्ट यहाँ पे, और ये ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी पूरा CCTV प्रोटेक्टेड है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है यहाँ पे सारे कुछ रिकॉर्डेड होते हैं। तो एक अच्छा एंट्रेंस लॉबी, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी जो कि फुल्ली एयर कंडीशन है। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपने सैंपल फ्लैट देखा, मैंने इसमें आपको 1 BHK का सैंपल फ्लैट दिखाया, 2 BHK का सैंपल फ्लैट दिखाया, इसके जो नीचे जो एमिनिटीज़ है गार्डन, किड्स प्ले एरिया और जिम तो फिलहाल अभी बंद था, बट फिर भी मैंने बैक साइड से दिखाने की कोशिश की है, गेम रूम दिखाने की कोशिश की है। तो एक अच्छी प्रॉपर्टी है और मेन यूनिक चीज़ है कि इसका पोजीशन बस 1 से 1.5 महीने में है, तलुजा में। ये पेंडर जो मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट 1 मिनट के वॉकिंग पे, मैंने मेट्रो स्टेशन कितने दूर है वो भी दिखाने की कोशिश की है आपको, बिल्डिंग के बाहर का लुक पूरा भी, एक्चुअली काम हो चुका है तो कैसा दिखता है वो भी दिखाने की कोशिश की है। तो अगर कोई तलुजा के तरफ नियर बाय पोजीशन रेडी टू मूव में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आई होप कि ये मेरा ब्लॉग जो उनको हेल्पफुल होगा। मेरा नंबर तो अभी आपको नीचे दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों सबसे पहले इसका कारपेट बता दूं आपको, 1 BHK का जो कारपेट है दोस्तों वो 440 का कारपेट है, 2 BHK का 700 कारपेट है। और दोस्तों इसका जो प्राइसिंग है 46 प्लस टैक्सेस 1 BHK, 2 BHK 66 प्लस टैक्सेस, तो ये इसका प्राइसिंग है। बैठने पे थोड़ा हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं, इसमें एक अच्छा व्यू का फ्लैट है। तो होपफुली ये आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, मेट्रो स्टेशन के पास में ही है, खारघर मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे है यहाँ से, बाय ड्राइव आप 10 मिनट में खारघर पहुँच सकते हैं। बेलापुर तक अगर आपको जाना है या खारघर रेलवे स्टेशन जाना है तो आपको मेट्रो स्टेशन बगल में ही है, आप 1 मिनट में मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे, और मुश्किल से मेट्रो बाय, अगर आप मेट्रो से खारघर स्टेशन तक जाना चाहते हैं तो आप 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो कनेक्टिविटी भी जो है तलुजा का भी अच्छा हो चुका है,
तो आज का ब्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, या अगर आप प्रॉपर्टी सर्च करें तो मेरा नंबर अब स्क्रीन पे आपने देखा ही होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई अगर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आप मुझे उन्हें मेरा जो ब्लॉग का लिंक आप शेयर कर दीजिएगा, वो मुझे कॉन्टैक्ट करें और एक अच्छी डील मैं उन्हें दिला पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अनदर डे अनदर ब्लॉग में। तो आज के लिए बाय।